वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय हुमैरा काशिफ। कैसे हैं आप सब लोग प्यारे बच्चों? मैंने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करवाई हुई है, जो कि ग्रेड 9 के लिए है, और ये सिंटैक्स बुक है जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया है। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हमने यहाँ कॉपी कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं दो टर्म्स, दो ब्रैकेट्स हैं, 13 + 15√3 है, और देन प्लस के साथ 7 − 6√3 है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपने जल्दी जल्दी से ब्रैकेट्स को कर देना है ओपन। 13 + 15√3 और इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस का साइन इन दोनों के साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा +7 और ±। प्लस का साइन अगर बाहर हो तो वो अंदर वाले साइन को चेंज नहीं करता, बट अगर माइनस का साइन हो तो वो साइन को चेंज कर देता है। तो प्यारे बच्चों, सेम बेस वाले नंबर्स आपस में जो हैं प्लस माइनस हो सकते हैं। तो यहाँ 13 और 7, ये आपके पास जो है एक होल नंबर हैं, तो आपने 13 और 7 को आपस में कर देना है 7, और आपके पास आ जाते हैं √3 और √3 वाला नंबर, तो इन दोनों को मैंने लिख दिया है 7, ठीक है जी। यहाँ देख लीजिए, साइन कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगर ये इज इक्वल टू के लेफ़्ट या राइट पे जाएंगे, हम इनकी जगह बदलेंगे तब इनके साइन में चेंज आएगा। तो 13 + 7 हो जाता है 20, और यहाँ पर 15 और 6, ये दोनों आपस में माइनस होंगे बिकॉज दोनों के साथ √3 है। तो √3 आपने जो है कुछ भी नहीं करना होगा, सो यू शुड टेक कॉमन √3 एंड 15 − 6, ठीक है जी। ये भी एक स्टेप है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये आ गया 20, और 15 में से 6 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 9 बच जाएगा, और आ जाएगा आपके पास √3। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आ जाते हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 मैंने कर दिया है कॉपी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे रूट वाले नंबर्स को हमें करना होता है प्लस, तो रूट वाले नंबर्स को प्लस करना इतना ईजी नहीं होता ना, तो आप कुछ ऐसा मेथड यूज़ करें कि आप इनको प्लस कर सकें। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर जो है मैं एलसीएम ले रही हूँ 250 का, ठीक है जी। ये आ गया 250 का एलसीएम, 2 1 × 2 2 = 4, और यहाँ आ गया 2 5 = 10। अब ये 5 के टेबल से होगा, ठीक है जी, और आ जाएगा 5 5 = 25, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास 5 1 = 5। एक मैंने ले लिया है एलसीएम इसका। अब आ जाते हैं 490 पर। दूसरा एलसीएम मैं ले रही हूँ 490 का, 2 2 = 4, 2 4 = 8, और 2 5 = 10, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है ये आ जाएगा 5 के टेबल में, सो यहाँ आ जाएगा आपके पास 5 4 = 20, 5 9 = 45। फिर क्या आ जाता है, 7 7 = 49, और आ जाएगा आपके पास 7 1 = 7। अच्छा, यहाँ तो मुझे एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर तो 10 है। जब मैं इसका एलसीएम लूँगी तो 2 और 5 आ जाएगा, तो 2 5 तो रूट से बाहर निकलना नहीं है, ठीक है ना। तो जो हम कोशिश करते हैं कि हम वो नंबर्स ले लें कि रूट से बाहर कुछ नंबर आ सके हमारे पास, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एलसीएम। चलें, अब जो एलसीएम ले लिया है, अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा, ठीक है। 250 की जगह जो जिसके फैक्टर्स आए हैं, मैं ले रही हूँ वो नंबर्स को रूट में। यहाँ आ गया 2 × 5 × 5 एंड × 5, ठीक है। 3 times यहाँ 5 आ गया है, 1 time 2 आ गया, सॉरी प्लस का साइन है यहाँ बीच में, और 490 का जो है मैंने 490 के लिए क्या आ गया है, 2 आ गया है, 5 आ गया है, 7 and 7, ठीक है, और देन प्लस में आ गया 3, रूट में आ जाएगा 10। अच्छा जी, अब बच्चों ज़रा यहाँ देखिएगा, ये तो 5 का बन गया एक पेयर, यहाँ पे 7 का एक बन गया पेयर। जैसे मैंने आपको बताया है कि रूट से कोई भी नंबर जो है तब निकलता है जब वो पेयर की सूरत में हो, तो ये 5 आ गया रूट से बाहर, और ये 2 और ये 5 जो रह गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएंगे, ये अंदर रहेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे 7 आ गया रूट से बाहर, ये 2 और ये 5 रह गए हैं यहाँ पर, तो ये अंदर हो जाएंगे मल्टीप्लाई। यहाँ आ गया 3 और आ गया 10। अब आप देखिए, यहाँ बेस सेम हो गई सबकी, सबके साथ √10 √10 √10 आ रहा है। तो जब इस तरह से होता है तो हमें क्या करना होता है, हम इन नंबर्स को प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो आपने √10 को ले लेना है कॉमन, और यहाँ आ जाएगा 5 + 7, प्लस में आ जाएगा 3, ठीक है जी। तो यहाँ आ गया आपके पास 5, इन सबको आप प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 15, और ये आ जाएगा 15 √3।
10 इसका आंसर। आ जाते हैं इसके पार्ट 5 पर। अच्छा जी, आ गए हैं हम इसके पार्ट 5 पर। तो पार्ट 5 है आपके पास 245 प्लस 625 और माइनस में आ जाएगा रूट 45। ठीक है जी, यहाँ पे अगेन मुझे क्या करना होगा, लेना होगा मुझे एलसीएम, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एलसीएम। ठीक है जी, चलें आ जाते हैं 245 के लिए हम ले रहे हैं एलसीएम। यहाँ आ गया आपके पास 245, तो यहाँ आ जाएगा 5 4 20, ठीक है, 5 9 45, 7 7 49 और 7 1 7। ठीक है जी, अब आ जाती हूँ मैं 625 पर। 625 के लिए 5 से दोबारा एलसीएम लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 125, फिर आ जाएगा आपके पास 25, फिर आएगा 5 5 25 और देन आपके पास आ जाएगा 5 1 5। ठीक है जी, 5 1 5, 5 2 10 आ गया, 5 5 25। ठीक है, अब आ जाते हैं 45 पर। यह आ गया है 45, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15 और आ जाएगा आपके पास 5 1 5। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने इन सब के ले लिए है एलसीएम। ठीक है ना, चले अब मैं क्या कर रही हूँ, एलसीएम लेने के बाद मैं यहीं पर सॉल्व कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है 245 के लिए। तो 245 के लिए क्या आ गया है, 5 × 7 × 7, बीच में है प्लस का साइन। फिर आ गया आपके पास 625, तो इसके लिए है 5 × 5 × 5 × 5, फिर बीच में माइनस का साइन, एंड देन 45 के लिए आ गया है 3 × 3 × 5। ठीक है जी, 7 का पेयर बना, ये 5 के दो पेयर्स बन गए हैं, ये 3 का एक पेयर बन गया, तो यहाँ से 7 का पेयर बना, 7 आ गया बाहर, रूट में बच गया 5। यहाँ से आपके पास 5 के दो पेयर्स बन गए हैं, तो दोनों 5 आपके पास आ जाएंगे रूट से बाहर। इसको मैं मल्टीप्लाई में इसलिए ले रही हूँ बिकॉज इसके साथ कोई रूट वाला नंबर नहीं आ रहा, डायरेक्ट पेयर्स आ गए हैं। यहाँ 3 आ गया बाहर और रूट 5 रह गया अंदर, तो यहाँ आ गया 7 √5 और प्यारे बच्चों ये -3 √5, इन दोनों को मैंने लिख दिया है साथ, और यहाँ 5 5 हो जाएगा 25। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं हम बेस सेम है, इनको प्लस माइनस कर सकते हैं, 7 में से 3 माइनस किया 4 बचा, 4 √5 आ गया आंसर, और ये 25 आपका रहेगा एज इट इज़ बिकॉज हम इसे यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये आ गया आपके पास पार्ट 5 का आंसर। आ जाते हैं पार्ट 6 पर। तो ये आ गया है आपके पास पार्ट 6। पार्ट 6 में आपसे क्या कह रहे हैं, ये आ गया 10 √11 और ये आ गया है -3 96 और ये आ गया -3 √11। ठीक है जी, यहाँ पर मुझे क्या करना है, √11 √11, इन दोनों का तो मुझे एलसीएम लेना ही नहीं है। ठीक है ना, मैं आ जाती हूँ सिर्फ और सिर्फ 396 पर। तो 396 का एलसीएम लेना है, सो अब ये एक ही एलसीएम है, इसे मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। ठीक है, 396, 2 1 2 आ गया, 2 9 18 आ गया, 2 8 16 आ गया है, 2 9 18, 2 9 18, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, और 11 1 11। ठीक है जी, तो चलें अब जो इसके फैक्टर्स आए हैं वो सारे मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। आ जाते हैं हम अपने इस तरफ। चलें जी, ये आ गया मेरे पास 10 √11 -396 के लिए जो जो पे आए हैं फैक्टर्स वो मैं लिख रही हूँ 2 by 2, 3 by 3 और देन by 11। ठीक है, और आ गया -3 √11। अच्छा, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये आ जाएंगे दोनों बाहर, तो आ गया 10 √11 माइनस, ये आ गया 2 और ये आ गया 3 और इसके साथ आ जाएगा √11, ये आ गया -3 और आ गया √11। ये आ गया है आपके पास 10 √11, 2 3 हो जाएगा 6, 6 और √11 -3 √11, सबके साथ √11 √11 है, तो यहाँ पे हम इनको आपस में माइनस प्लस कर सकते हैं। ठीक है ना, सो √11 टेकिंग कॉमन 10 -6 -3, तो 10 में से 6 माइनस करते हैं 4 बचता है, 4 में से 3 माइनस किया 1 बचा। आप इस तरह भी कर सकते हैं, माइनस माइनस होता है प्लस, 6 में 3 प्लस कर दिया हो जाएगा 9, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो आ जाएगा माइनस, और ये आ गया आपके पास 10
ठीक है जी, आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और नॉर्मली भी हो सकता है। 10 में से 9 माइनस किया 1 बचा, 1 लिखने की नीड हमें नहीं है, जस्ट आपके पास आ गया रूट 11 इसका आंसर। ये हो गया है आपके पास पार्ट 6। तो बच्चों यहाँ पे मैंने पार्ट 6 तक सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए मिसेस काशिफ को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो इजाज़त दीजिए मिसेस काशिफ को, और अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।